लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवीन भाई शिवसेना की पहल पर आज से जंबो कोविड केयर सेंटर के हजारों आरोग्य कर्मियों को फ्री भोजन का इंतजाम मिल गया है। टाटा समूह के ताज ग्रुप में यहाँ मनपा के जंबो कोविड केयर सेंटर के 2000 आरोग्य कर्मियों को सुबह और शाम का भोजन मुफ्त उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। आज इस भोजन अभियान का शुभारंभ थाने के सांसद राजन विचारे के हाथों किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के बेलापुर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे, ताज ग्रुप के अधिकारी और कोविड केयर सेंटर के सीनियर मेडिकल ऑफिसर भी मौजूद थे। सांसद राजन विचारे ने कहा कि कोविड सेंटर के आरोग्य कर्मी दिन रात यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उन्हें उत्तम भोजन उपलब्ध कराना सराहनीय कदम है। उन्होंने राज्य सरकार का हवाला देते हुए कहा कि पालक मंत्री और अधिकारी नवीन भाई में कोरोना से निपटने सारा इंतजाम करने में जुटे हुए। वासी के जंबो कोविड केयर सेंटर के आरोग्य कर्मचारियों को अब ताज ग्रुप का अच्छा खाना मिलने वाला है। नवीन भाई शिवसेना के जिला प्रमुख विट्ठल मोरे की पहल पर ताज ग्रुप ने यहां 2000 आरोग्य कर्मियों और मरीजों को सुबह शाम का भोजन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। आज सांसद राजन विचारे ने सिडको एग्जीबिशन सेंटर के इस जंबो कोविड केयर सेंटर में मुफ्त भोजन अभियान का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर में जान का जोखिम लेकर आरोग्य कर्मी और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा भोजन मिले, इसे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपक्रम शुरू किया गया है। इस अवसर पर कोविड केयर सेंटर के सीनियर डॉक्टर्स, ताज ग्रुप के अधिकारी और शिवसेना जिला प्रमुख विट्ठल मोरे समेत कई नेता मौजूद थे। उद्घाटन के बाद सांसद राजन विचारे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। जिला प्रमुख विठ्ठलराव जी मोरे आणि त्यांच्या सर्व टीमचा त्यांना धन्यवाद देतो की या कोविड सेंटरमध्ये काम करणारे सर्व डॉक्टर्स, नर्सेस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि सर्व स्टाफ या सर्वांना ताज ग्रुपतर्फे या ठिकाणी सकाळी 1000 लोकांना, संध्याकाळी 1000 लोकांना असं दोन टाईमचं जेवण या टाटा ग्रुपने दिलेलं आहे। आणि मी त्यांनासुद्धा टाटा ग्रुप्स नेहमी सर्वसामान्य लोकांसाठी दिलासा देण्याचं काम करत असतात, मग ते वेगवेगळ्या माध्यमातून या कोविडच्या माध्यमातून सर्व ठिकाणी टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून मग त्या ऑक्सिजन प्लांट असतील किंवा औषधं असतील किंवा इतर कोविड सेंटर उभा करण्यासाठी CSR फंड असेल, आज या ठिकाणी नवी मुंबई शहरामध्ये आमच्या सर्व महापालिकेच्या संपूर्ण डॉक्टर्स आणि या सर्व कर्मचाऱ्यांना आज ताजतर्फे जेवण या ठिकाणी दिलेलं आहे। मी सर्वांना धन्यवाद देतो। आपल्या महापालिका कोविड हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर्स आणि त्यांचा सर्व मेडिकल स्टाफ, मग ते सिक्युरिटी असतील त्यामध्ये किंवा साफसफाई कर्मचारी असतील, यांना शिवसेनेच्या वतीनं आम्ही प्रयत्न करून जो आमचा संपर्क ताज हॉटेल किंवा टाटा ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून त्यांनी जे या ठिकाणी व्यवस्था केली त्याची पूर्तता करण्यासाठी माननीय खासदारसाहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये आमचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत की या लोकांना, ती लोकं जे खरे योद्धे आहेत, कोविड योद्धे आहेत, त्यांना ही व्यवस्था व्हावी या माध्यमातून प्रत्येक सेंटरमध्ये जितके स्टाफ असतील त्या सर्वांना हे जेवण दुपारी 1000 जेवण आणि रात्री 1000 जेवण अशा प्रकारे दिवसाला 2000 लोकांना जेवण या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेलं आहे। ह्याच्या मागची भूमिका
कुठेही नाही, मग ती भूमिका खरी त्यांची आहे, टाटा ट्रस्टची आहे. आम्ही एक माध्यम आहोत, परंतु हे माध्यम म्हणून आम्ही काम करत असताना आमचे सर्व पदाधिकारी ह्यामध्ये इन्वॉल्व्ह आहेत की माननीय उद्धवसाहेब ज्या पद्धतीने काम करत आहेत त्याला आमचा एक हातभार लागावा, सपोर्ट व्हावा, ही आमची एक खारीची भूमिका आहे. ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया.